टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Assalamualaikum, hello, welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan Season 3. उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे हाउस बैंड द करार बॉयज और बहुत सारी तालियां आप लोग अपने लिए बजाएंगे। आज बहुत ही एनर्जेटिक ऑडियंस बैठी हमारे पास, तालियां। और जिस शाहकार का इंतजार था वो वापस आ चुका है। जी हाँ, मेरा फनियर हाफ जो कि एक जबरदस्त रियलिटी शो में मौजूद थे जहां उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेला, वापस आ चुके हैं। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहां बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली मिस्टर आदि अतिरम जो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है असली इंसान देख के, जिंदा लोगों को देख के, दुनिया को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई शुड टेल यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत जबरदस्त खेला उस घर में एंड यू वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वेल डन, वेरी वेल डन। आई लव यू जी विलांजे। हार के जीतने वाले को आदि कहते हैं नंगा। हार के जीतने वाले को आदि नंगा कहते हैं। नो बट आदि वेल प्लेड, जबरदस्त। आदि में क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है, दुनिया से हम भागे हुए थे। क्या कह रहे हैं? कह रहे रक्षा चल रहा है। रक्षा चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल सही चल रहा है, चल रहा है। और दुआ करें कि पेट्रोल सस्ता होता जाए ताकि रक्षा चलते रहे। तो कुछ नहीं चल रहा, हम दुनिया से कटे हुए थे, दुनिया में वापस आ गए हैं। हाँ। और काम आप दुनिया से कटे हुए थे लेकिन आप दुनिया पे छाए भी हुए थे। बस ये आप माशाल्लाह से, सब माशाल्लाह से। तो आप, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कटे हुए हैं लेकिन आप छाए हुए थे माशाल्लाह, हर जगह आपकी बात हो रही थी एंड आपने अपनी तरबियत, अपनी तालीम को प्रूफ किया। वेल डन। बहुत सारे लोगों को शक था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं आप, लेकिन आपने प्रूव किया कि आपके घर वालों ने आप पे बहुत मेहनत की है और आपने भी माशाल्लाह अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। वेल डन, वेरी वेल डन। आई लव यू। मैं आपको सही बात बताऊँ, ये बागी में आप लोग का प्यार है और आप सब लोग की मोहब्बत है जिसकी वजह से आप लोग इस साइड को भी अप्रिशिएट करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। मैं हमेशा आप लोगों से बहुत प्यार करता था और इंशाल्लाह जब तक मेरे अंदर जान है आई विल बी राइट हियर टू एंटरटेन यू। थैंक यू। ये आज लग रहा है कि इंतहाई जबरदस्त शो होने वाला है, उसकी वजह से एक तो ऑडियंस बहुत क्रेजी। मैं आपको बताऊं, हमारे इस सीजन में जब से ऑडियंस आ रही है आपसे अच्छी एनर्जी अभी तक किसी ऑडियंस मेंबर की नहीं थी। तो आप बहुत सारी तालियां। ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, आप भी वापस आ गए हैं। बैंड हमारा आज माशाल्लाह जबरदस्त जागा हुआ है। बिल्कुल, इतने पैसे दे रहे हैं कि इन्होंने शर्ट के ऊपर कोट भी पहन लिया आज माशाल्लाह से। बिल्कुल, अपना वलीमा छोड़ के यहाँ है। वेल डन। लेकिन जो इसकी वजह ये भी है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एनर्जी से भरपूर शाकार है, बेशक एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर जिनको बहुत पहले से हम जानते हैं। कब से? बहुत पहले से हम जानते हैं, जब ये कराची आए थे, इनफैक्ट जब कराची नहीं भी आए थे तब से भी जानते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो फिल्म हो, फिल्म्स भी हो। यही बात है, हमारे यहाँ होता यही है कि जब सूरज चढ़ जाता है ना फिर लोग सलाम करते हैं। हम इनको तब से सलाम कर रहे हैं और सलाम का जवाब भी दे रहे हैं जब इनका सूरज आहिस्ते आहिस्ते निकलना शुरू। हम तो खाली पानी को देख के कह रहे थे कि यहाँ से सूरज निकलेगा। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो बीज है ना, बीज उसकी अपनी आदत, उसकी फितरत होती है कि वो दरख्त बन जाता है। वाह। और वो दरख्त बन गया है, अब उसको सब सलाम भी कर रहे हैं। सो बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहाँ बैठ कर बजाएंगे फॉर द विनर ऑफ तमाशा मिस्टर उमर। हमारा इवनिंग शो है, मॉर्निंग शो नहीं है। बैठ जा, बैठ जा। अरे अरे चाचू यार, ये
डांस किया कि मैं नहीं करूंगा डांस करो। माशाल्लाह पुराना काम याद आ गया हम लोगों इसी से हमारा घर चलता था पहले। सफाई कर रहा हूँ, मेहमान आए। अच्छा आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए बैठिए सर। ये होता है जब वाह आओ आओ, इतना नाच लिया तूने पूरे शो का एक में ही कर दिया है। एक दफा फिर से बहुत सारी तालियां पर उमर आलम। हाय, बहुत मजा आया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारा शो देखने का। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो कर दिया हमने ये। अल्लाह हाफिज। उमर क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, वेरी वेल डन। लेकिन हम उस शो के बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवाल ये करेंगे कि ये बताएं सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लोग बहुत सारे ये एक आम जिसे कहते हैं ना एक वो है आपके हवाले से कि शायद उमर ने अभी काम शुरू किया। शायद अब लोग सर्च कर रहे हैं पीछे जाके ना तुम्हारा, कहते हैं तो पहले से काम कर रहा लड़का यार। बिल्कुल, मुझे कल एक वीडियो में लोगों ने टैग किया जो आप हमारे पिछले शो पे आए थे। हाँ बिल्कुल, वो हम तो तब से कह रहे हैं भाई ये है एक आदमी। अच्छा लोग कह रहे हैं ये तो वहाँ भी आ चुका है। हाँ। तो ये जरा सिलसिला बताए ना कहाँ से शुरू हुआ। शुरू मैंने किया था 2012 में थिएटर से। नहीं नहीं, शुरू पहले अम्मी अबू ने किया था, फिर आप आए थे। नहीं नहीं, जिंदगी की शुरुआत नहीं पूछ रहा। अच्छा अच्छा, काम की शुरुआत। बिल्कुल शुरू, बिल्कुल जी। मैं अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताता हूँ। स्ट्रगल्स बताइए। शुरू किया था 2012 में थिएटर से, और इस्लामाबाद में कर रहे थे थिएटर। यूनिवर्सिटी के ग्रुप के दोस्त थे कुछ, वो लोग कर रहे थे स्टार्ट। उसके बाद फिर जो है सियाचिन अनु मकसूद साहब के साथ 2015 में, फिर बनानिस्तान, इसी बीच में एक आपके साथ भी वो पर्ची फिल्म जो की थी उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था। तो फिर उसके बाद आया 2017 में मैं कराची। जी आगे थिएटर में कहाँ से आए? अब ये नहीं कहना पिंडी की सड़क पे बैठ के मैं जब रिक्शे उधरते देखता था तो मैं कहता था एक दिन मैं भी रिक्शे की एक्टिंग करूंगा। बड़ी बात नहीं करना, साथ साथ बताओ थिएटर में कहाँ से आए? हाँ, बिल्कुल इमोशनल होने की जरूरत। वो ऑडिशन दिया एक बट ठीक है, ये ठीक समझ गया। ऑडिशन दिया, ऑडिशन में फेल हो गया, फिर उसके बाद मैं सामने रोड पे बैठा रिक्शे देखता था। नहीं, ऑडिशन में फेल होने का तो तुम्हारा सीन नहीं, मुझे पता है। तो ऑडिशन दिया था सियाचिन के लिए, वो सिलेक्ट हो गया। फिर सियाचिन के बाद बनानिस्तान उन्होंने मतलब यानी कि इसी तरह से दे दिया क्योंकि काम देखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लो, बनानिस्तान मिला। बनानिस्तान के बाद कराची आए, फिर मैं कराची आया और यहाँ पे आगे असल जो स्ट्रगल थी ना यहाँ की। अच्छा मुझे ये बताया आपने सियाचिन किया था, कितना लंबा टाइम था जिसमें सियाचिन की रिहर्सल हुई और प्ले हुआ? सियाचिन की हमारी जो पहले हाउस अरेस्ट हमें उन्होंने करना था वो 3 महीने का, उन्होंने कहा था 3 महीने की रिहर्सल होगी जिसमें हाउस अरेस्ट किया जाएगा, वो ट्रेनिंग होगी सारी, वो जो बताई थी मैंने सबकी दाढ़ी शाड़ियाँ भी बिल्कुल दाढ़ियाँ बढ़ा दी, कोई शेव वेव कोई बाल वाल नहीं कटवाएगा इस तरह से। तो 3 महीने से वो प्ले एक्सटेंड हो गया 1 महीना, और 4 महीने हम एक घर में रहे, बंद रहे, जहाँ पे हमारे पास ना कोई फोन था ना कोई लैपटॉप था, कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तभी तुम जीते हो ये वाला शो, तो मुझे पहली प्रैक्टिस हुई थी यही मैं सबको अपनी तरफ से सियाचिन का सीजन 2 कर रहा था। हाँ तुमने सियाचिन का सीजन किया था। मैं सीक्वल कर रहा था। 4 महीने वो हो गए, उसके बाद प्ले कितना चला? प्ले चला तकरीबन हमारा 7 से 8 महीने, 2 महीने कराची चला था, 1 महीना इस्लामाबाद, दुबई भी गए थे हम, फिर फैसलाबाद, पिशावर, मुल्तान, इन सब जगहों पे किया था। बहुत अच्छा मजेदार। टोटल कितना टाइम लगा? साल एक, एक तो साल लगा। पैसे कितने मिले? काफी कम मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 65,000 एक साल का मिला था आपको। तो मैं सलूट करता हूँ उस प्ले के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि आप एक्टर से पूरा साल काम कराते हैं, साल काम करा और 65,000 रुपए देते हैं, आपको सलूट है। और कल आके इंटरव्यू में ये ना कहेगा कि समझ नहीं आ रहा थिएटर तरक्की क्यों कर रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना ये एक मुश्किल काम है। अगर आप 2012 की जर्नी सामने शुरू किया, 2022 में खड़े 10-11 साल अपने शहर से बाहर, बिल्कुल कभी ऐसा हुआ बोलो यार पिंडी चलता हूँ बहुत हो गई नहीं करना ये काम मुझे, ऐसा हुआ है कभी? मैं बेसिकली अगर मुझे मोटिवेशन थी ना, मोटिवेशन जो अंदर थी वो मुझे आप लोगों से देख के मिलती थी, आप लोगों को देख के मिलती थी, जैसे आप थे, आदि था, यासिर भाई हैं, ये सब लोग माशाल्लाह ये बिल्कुल वहीं थे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था कुछ अर्सा पहले, वो भी वहीं थे। लेकिन जब तुम्हें तो 65 मिल गए, मैं तो वो भी नहीं मिलते थे याद है, अल्लाह माफ करे, देख मैं सही रहा ना। हमारे 3 प्ले के लोग पैसे लेके चले गए, मतलब पलटे ही नहीं आज तक भाई, लानत।
तो मुझे इन लोगों को देख के बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि यार अगर ये लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, तो मेरा वक्त भी आ जाएगा। दूसरा एतबार था अल्लाह पे कि इंशाल्लाह जो भी है अपना टाइम तो आएगा ही। अच्छा तो देखो ये अब एक और सवाल मुश्किल सा ये है कि जब ये ऑफर हुआ ये वाला शो, बिकॉज ये इससे पहले नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है लोगों को, जैसे मैं क्योंकि आदि से बहुत क्लोज हूँ तो ही यूज टू कम एंड डिस्कस कि यार इस तरह की चीज़ है हाँ या ना किस तरह, तो इसको भी एक टाइम लगा इसको हाँ करने में। जब तुम्हारे पास ऑफर आई तुमने क्या सोचा, कैसे करना है नहीं करना है, क्या दिमाग में क्या चला? मुझे जब उन्होंने ऑफर किया था वो कह रहे थे कि हम इस तरह का शो डिज़ाइन कर रहे हैं एक और उसमें जो है इस तरह से हुआ करेगा, मतलब पूरा प्रॉपर जो रेफरेंस उन्होंने दिया था मुझे, मैंने कहा ठीक है सही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ आपके लिए, अगर आप जीत गए तो आपके लिए ये होगा लेकिन आप करो ये, मुझे उन्होंने काफ़ी वो कर दिया था कि आप ये करो आपके लिए चीज़ अच्छी होगी। मैं कह रहा था कि ठीक है लेकिन मेरे कुछ मसले थे डेट्स के। अच्छा अच्छा क्या क्या मसले थे? हाँ कुछ सुने हैं मैंने भी मसाइल कुछ मेरे हो जाता है यार, आदमी हाँ, को हल कर लेना चाहिए उसमें क्या टेंशन वाली बात। अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉर्ट हो चुके हैं। किया क्या था आपने? काफी सारे। अच्छा मैं एक और बात इस पे ऐड करना चाहूंगा, बोला और विदाउट बीइंग टेकिंग हिज साइड, कि जब एक आदमी घर में चला गया सब कुछ हो गया, जैसे ही वो जीत के करीब आया ना तो लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े किए हाँ कि अच्छा यार ये तो ये हो चुका है, ये तो हमारे साथ ये भाई। जब वो एक प्रोसेस में था या जब वो गया तब कोई कुछ नहीं बोला है, जब उन्होंने देखा अच्छा ये जीत की तरफ जा रहा है हाँ, तो सबने कहा जी मेरे साथ ये क्यों होता है हमारे यहाँ? इसको पहला काम मैंने दिया था हाँ, ये तो जरूरी होता है ना, पहला काम तो ठीक है लेकिन ये जो डेट वाले मसाइल हमने सुने ये मैंने काफी सिवियर एंड पे सुने। मैं बिल्कुल मैं एक सेट पे मैं काफी सिवियर एंड पे समझ सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं तो जानता हूं उसको बहुत पहले से, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन उनका नहीं हुआ, मैं तो फिर कोई बात रही होगी कुछ हुआ होगा कुछ कंफ्यूजन हुई होगी, कुछ थी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी हो जाती है जिसकी वजह से जो है ये सारा इतना बड़ा मसला हो गया। लेकिन मेरा प्लान नहीं था इस तरह से कि मैं पूरा खेलूंगा, ना प्लान थी ना इंटेंशन। हाँ बिल्कुल इस तरह का मतलब मैं तो वो एक होता है ना आपको नया नया काम मिल रहा होता है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर तो आप उसको अवेल करना चाहते हो बिल्कुल, आप नहीं चाहते चांस लेना, आप जहाँ भी हो सकता है जोड़ तोड़ करके कुछ आगे पीछे करके आप उसमें आना चाहते हो। ठीक है तो इसी तरह मैं भी कर रहा था कोशिश करके, मैं ये कह रहा था कि अगर सब लोग ना इफेक्ट हों उससे तो जितने टाइम पीरियड के लिए मैं आराम से रह सकता हूँ उतने टाइम पीरियड के लिए मैं उस शो में चला जाता हूँ। ठीक है लेकिन जब हम अंदर गए और वहां पर जाके मुझे पता चला कि बाहर की दुनिया से तो ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कोई सीन ही नहीं है, तो तब मुझे काफी जो है मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और जलील भी किया तकरीबन कि उन्होंने ये कर भी देते हैं। हां उन्होंने मैं आपको मजे की कहानी सुनाता हूं, इसको भी मैंने नहीं सुना जब से वापस आए। एक जगह खाना खा रहा था तो एक साहब मुझसे पूछते हैं तो ये आदि भाई लोग घर कब आते हैं, किस वक्त आते हैं? मैंने कहा घर किस वक्त आते हैं, मतलब जाहिर सी बात है वो तो रिकॉर्डिंग चलती रहती है फिर खत्म होती होगी तो ये तो देर हो जाती होगी आते आते, फिर सुबह भागते होंगे। मैंने कहा किधर सुबह भागते थे, वो तो 9-10 बजे ऑन एयर हो जाता है ना। तो मैंने कहा भाई वो अंदर ही है। अबे क्या हो गया, अंदर थोड़ी होते ऐसे तो नहीं, रात को तो आते होंगे। मैंने कहा अबे भाई वो अंदर ही है, मतलब लोग इस बात को नहीं मान रहे थे इनसाइड कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी फोन, तो फोन में नहीं चेक करते भाई, नहीं करते फोन चेक यार, तो वो जरा लोगों को टाइम लगा उसको हजम करने में। अच्छा ये लिटरली ऐसे पुल ऑफ हो रहा है मुझसे जो है, जो सवालात जो हुए हैं मोस्टली हाँ। दो सवालात वो यही हुए हैं कि यार फोन वोन कुछ भी नहीं था आप लोगों के पास? हाँ। कहा नहीं बिल्कुल, स्क्रिप्टेड था ये? मैंने कहा नहीं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था ये सब। कहते अच्छा तो सारे ऐसे ही मतलब हो रहे थे? मैंने कहा हाँ हो रहे थे, शो के लिए भी हो रहे थे कुछ कुछ, वैसे भी अंदर से शायद इसी तरह के थे वो लोग हाँ, तो इस वजह से उन्होंने अच्छा हमारी स्ट्रगल इतनी सारी हुई भी है हम सब की तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है, यकीनन हुआ होगा, मैं तो सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ कि जी आपका कल एक सीन है आपने आना है 1 बजे तो टाइम से आ जाएगा, आप 12 बजे पहुँच गए और फिर आपको बोला अभी अभी हो रहा है आपका सीन अभी और आप 8:30 बजे तक बैठे हुए कब होना, फिर आपने आखिरी सीन कराया और शायद वो भी कभी कभी नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल, ये एक दफ़ा अनगिनत दफ़ा हुआ मेरे साथ बहुत, मतलब लेकिन यही था कि क्या करेंगे अब हम कर भी क्या सकते, हम क्या कहते यार हमारा सीन करो नहीं तो मैं जा रहा हूँ ठीक है जाओ जाओ क्या जाओ, पड़ता है तब हम क्या करते फिर हम मुँह इतना सा मुँह लेके वापस आ जाते हाँ। बैठा पड़ता था करना पड़ता है ये मतलब पार्ट ऑफ द गेम है, अगर आप आए हैं गेम में तो फिर वो पूरी तरह अंदर जाए ना आप क्या यार मेरे जूते। ऐसा आदमी जिसने कहा कि ये शो ना करो, मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, ये मैंने अभी तक किसी को भी बताई ऐसी कमाल देख यार आप लोग अच्छे लोग हैं घर के हालात नहीं बता देना हाँ, बाकी सब ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना मेरे डेट्स के इशू हो रहे थे जो हाँ। तो मैं उस प्रोडक्शन हाउस में गया, मैंने उन्हें कहा कि यार ये चीज मिल रही है मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है ये अच्छी है मेरे लिए मुझे लग रहा है, फिर भाई रियलिटी शो है क्या कर रहे हो इससे तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी बन जाएगा क्या कर रहे हो इजी हो जाओ। अच्छा ये तक बात कही थी उन्होंने और मैं मतलब यानी कि उस टाइम पे भी
एक डेट का मेरा इशू बन रहा था थोड़ा सा, एक डेट जो मेरी आ रही थी बीच में, कह रहे उसको आगे कर लें पीछे कर लें कुछ इस तरह, कहते नहीं हो ही नहीं सकता, हम नहीं कर सकते यार, ये रियलिटी शो है भाई, इससे नहीं करियर बनते किसी के, इजी हो जाओ तुम। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पतंगबाजी का बहुत शौक है? बहुत शौक है मुझे। क्या सीन है पतंगबाजी यार? मैं बचपन से भाई किसी भी चीज में धागा डाल दे उड़ाना शुरू कर देता है किसी भी चीज में। बहुत बड़ी बात है ये, देख लो उम्र कर रहा है, मोमबत्तियां उड़ा दी ऐसे करके धागे वाली। तो इसी पतंगबाजी का बचपन से बहुत शौक था मुझे, एक ही शौक था मेरा पतंगबाजी का। स्कूल से आते थे छत पे चढ़ जाते थे, रंग काले हो जाते थे सारे, डार्क ब्राउन कलर के, आधा यहाँ से डार्क आधा यहाँ से, जहाँ से मैं शर्ट उठा के दिखा था ये ओरिजिनल कलर है मेरा पतंगबाजी। हाँ, पतंगबाजी की वजह से ऐसा हो गया हूँ मैं। तो अम्मी ने मुझे कहा था बेटा पढ़ लो पतंगबाजी के लिए, सारी उम्र पड़ी है तुम्हारी। वाह, पढ़ लिया पतंगबाजी बहन हो गई। अच्छा, पढ़ाई की अम्मी भी कारीगर है। हाँ, अम्मी ने भी अच्छा घेरा। हाँ, मैं एक बार उमर के घर के रात को घर से गुजर रहा था उमर के, तो उमर नीचे ना फुटपाथ बैठ के यूं कर रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहा है भाई, कह रहा नोट गिन रहा हूँ 25 लाख रुपए जीता हूँ ना। तो मैंने कहा भाई अभी टाइम है मिलने में और कैश नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस कर रहा था खाली। अच्छा जी, अब ये भी मैंने सुना आपके बारे में, जब आप कराची आए तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। बिल्कुल। किसने हेल्प की, किसने सपोर्ट की, किससे मुलाकात हुई, किससे दोस्तियां की, किसी ने की भी हेल्प की नहीं की, क्या है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात में बहुत लकी रहा हूँ इस बारे में कि मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे जो अपने करीबी थे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उनमें सजील, यासिर भाई, नाजिश, आगा भाईजान, आप खुद जनाब क्या कहते हैं उसको, मुकर्मी, पता नहीं भाई कुछ इस तरह का मुश्किल लफ्ज़ जो है वो, तो ये बहुत सारे लोग थे। फिर बीच में मैं उनका नाम भी ले लूँ, वो अमसा लोग, इन लोगों ने भी काफ़ी मुझे जो है मेरा साथ दिया, क्योंकि जब मुझे कोई ऐसे बड़ा काम नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, तब वो अमसा लोग थे जिन्होंने जो है कि एक बड़ा सीरियल दिया जिसमें मैं एक एज अ लीड था बेसिकली, तो उन लोगों ने एज अ फैमिली ही रखा है। फिर ये शादिया भाभी लोग, वजाहत भाई लोग, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये मतलब कह लें कि इन्होंने अपने साथ रखा और साथ साथ लेके चले। यासिर भाई वो तो एज अ मेंटोर रहे हैं साथ में, शबकी भाई और मोहसिन भाई लोग, ये सब लोग जो हैं बहुत, इन लोगों ने साथ दिया मेरा। लेकिन मुझे एक अफसोस है वेदान, अब क्या शो शुरू हुए हुए मेरे खाते कोई 22 मिनट हो गए। हाँ जी, कितनी हमने बातें की। हाँ जी, उसमें वजाहत भाई का भी जिक्र कर लिया, हमसा कामरान का भी कर लिया, शो का भी कर लिया, ऑडिशन का भी कर लिया, थिएटर का भी, भाई का भी, आपका भी कर लिया, आसिर भाई, भाभी का नाम नहीं लिया इसने। ये क्या सीन है यार, ये मैं आ रहा था सवाल पे, तूने 5 मिनट पहले पूछे, लेकिन चल पूछ लिया तो कर लेते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, ये लड़का ब्लश करना शुरू हो गया यार ऑटोमेटिकली। वो भी मैंने याद कराया है। हाँ, फिर पता नहीं, देखे, देखे, मैं बताता हूँ आपको, पता है हमारे यही फोकस होता है। आपको पता है मैंने शो में भी ये किया था। हाँ, महीने बाद मैंने इसको एक दिन बिठाया और मैंने कहा कैमरे में देख के भाभी को मैसेज भेजो। हाँ, बोला ही नहीं जा रहा था भाई से। यार कुछ मामलात होते हैं जिनमें इतनी सारी लड़कियां थी उनके साथ, तुम्हारे सारे मामला सेट थे, हमारे भाभी के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। पहली बात ये, मैं भाभी का नाम लेने का ये मतलब नहीं कह रहा कि आप कह दो फिजा, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, सिर्फ आप भाभी के बारे में बात करोगे, वो मुझे मिस कर रही थी। नहीं, मुझे ये बताएं ये फिजा आपकी आबो हवा में कब आई यार, कब हुआ ये? नाम नहीं लेना, भाभी का नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। ये फिजा जो है मेरे करीब तकरीबन पिछले, मैं 1.25 साल बोल रहा था लेकिन 1.5 साल हो चुका है अब जो है हमारे रिलेशनशिप को, गिरदो नवा का मौसम और फिजा जो है इतनी खुशगवार हो चुकी है, मौसमियात से बात हो रही है, इतनी खुशगवार हो चुकी है, और जैकपाबाद में आज भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, सख्त गर्मी। अच्छा, तो फिर कहाँ हुई है मुलाकात? बस म्यूचुअल दोस्तों में होते उठे बैठे थोड़े से मुलाकातें हुई एक दो, फिर उसके बाद जरा मैंने भी गौर से देखा उन्हें, उन्होंने भी थोड़ा सा मेरे मैसेजेस का जवाब दिया मैंने। ओए, चलो, ये तो मैसेजेस का जवाब दे रही हैं, तो फिर लेट्स
मुलाकात विद देम। अच्छा ये और मुझे एक और सवाल आ गया, मैं भी तो घटिया धमाका अब देखो ये नहीं छोड़ेगा तुझे भाई। शो में बहुत सारी बातें हो रही थी कि उमर और मरिया बहुत अच्छे लगते हैं, उमर और मरिया का फैन क्लब भी बन गया है, और यू नो आंखों में आंखें और एक दूसरे के शॉट्स लग रहे हैं। जी 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 एडिट्स हो रही हैं। तो मुझे ये बताओ ये जो रिलेशन एक स्क्रीन वाला रिलेशनशिप था, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि असली में क्या था, लेकिन हम स्क्रीन की बात करेंगे कि स्क्रीन पे जो रिलेशनशिप था उसने भाभी के रिलेशनशिप को खराब किया। दीदी भाभी माशाल्लाह उस पर एतबार करती है, कर रही है और गुस्सा भी कर रही है, और भाभी गुस्सा भी कर रही है। भाभी आप एतबार कर रही है, जल टूटने हो। नहीं वैसे स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली, खैर ये तो एक शो था, इसके अलावा भी बहुत सारे आप पेयर्स में काम करते हैं। बिल्कुल तो कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने कहा कि मां मेरी भी बीवी है ना, अपना भी कर रहा हूं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना भी साथ साथ कर रहा हूं ना, तो कभी ऐसा हुआ बोलो कि नहीं उसके साथ बड़ा आपने नेचुरल सीन किया? नहीं मैं फिर कहता हूँ कि ये तो हो जाता है, मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ये तो होगा, मैं उसे रेडी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा। ये तो होगा, अब आपको थोड़ा सा जो है ना वो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना तो पड़ेगा। वो ये नहीं कहती कि कल को अगर मेरा कोई ऐसा फ्रेंड हो तो फिर बीच में ना आना, ऐसे ऐसे कहती है? पहले तो नहीं, अब कहेगी। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये लड़की वाला है। ये मेरी तरफ से तो ये नहीं, पहले भी मेरी तरफ से नहीं था। यार मैं जनरली पूछना चाह रहा हूँ ना, आप जनरल नॉलेज के सवाल कर लो ना। अच्छा अच्छा मैं एक और मेरा घटिया सवाल करूंगा। मैं यार आपके शो में ब्रेक नहीं होती। नहीं भाई हमारी मर्जी है, हम जब ब्रेक लेते हैं जब गैस रोने लग जाते हैं। आप रो दो। अच्छा इस वजह से बुलाया मुझे। नहीं अब जिस तरह वो शो खत्म हो रहा था ना, जी जी, उसका फिनाले का शो चल रहा था, तो अब भाभी भी आई हुई थी काले कपड़ों में, बताना नहीं चाहिए अच्छा लोग फिगर आउट कर लेंगे फिर। तो भाभी भी आई हुई थी और अम्मी जी भी आई हुई थी ना, तो आपने भाभी को पहले देखा या अम्मी जी को पहले? मैंने अम्मी जी को पहले देखा। झूठ ना बोले, झूठ ही बोला, सच बोला, अम्मी जी को पहले देखा। अच्छा मुझे ये बताओ ये स्क्रीन पे बताओ, जो तुमने मुझे बाद में बताया कि उमर ने, मैंने बाद में बताया था ना, तो इधर की बता रहे हो तुम्हें बताया था। उमर ने कहा जब फाइनल शो चल रहा था तो मैंने तो अपनी अम्मी को देखा ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आई अम्मी। मैं माँ ही नजर नहीं है। अच्छा किसी की आंखों में घूम हुआ था माँ नहीं दिखी, क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो एक तो फिनाले का पहला मेरा फिनाले था किसी शो में, यार आप ऐसे मुझे इतना तो क्रेडिट दे, मेरा पहला फिनाले था। मैं सेट देख रहा था, मैं लोग देख रहा था, मैं इधर देख रहा था, कैमरा देख रहा था, एकदम से मैंने देखा तो मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अम्मी आ रही है मेरी, तो इस वजह से मैं होती है माँ। यार रो रहा था, अपनी माँ को सवा महीना छोड़ाया, माँ फिर भी पहुंच गई पीछे। वाह 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 वाह, ये आधी महीने ब्रेक दे दिया हमें एकदम से, वक्त वैसे अब हो गया। माँ आई लव यू, आई मिस यू माँ। ओके जी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है उमर आलम, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। अच्छा जी उमर, अब हम आपके साथ खेलेंगे दिस और दैट। वो कुछ क्योंकि आपसे एक सवाल होगा, उसके दो जवाब हैं, आपने ऑप्शन चुन लेना है, जब हम आपसे कहेंगे तो आपने उसको जस्टिफाई करना है आपने क्यों चुना, वरना आपने जान देना है। अच्छा जी पहली पतंग लूटना या फिर तमाशा जीतना? तमाशा जीतना। तमाशा जीतना ठीक है जी। इस्लामाबाद या कराची? कराची। थिएटर या फिर टीवी? ये मुश्किल, थिएटर। ठीक है ये बताएं कि अगर आपको ऑफर हो तो आप तमाशा का सीजन 2 करेंगे या फिर बिलाल लाचारी की फिल्म करेंगे? बिलाल लाचारी की फिल्म कर। बिलाल लाचारी की फिल्म, वो 6-6 साल में एक फिल्म करते हैं, जरा सोच समझ के करना, बड़ा हो जाएगा तो उसी में। अच्छा जी डाइट, मैं थिएटर के, मैं दोबारा से तमाशा कर लूंगा। हाँ, डाइट करते हैं या फिर भरपूर खाना खाते हैं? मैं डाइट करता हूँ। ओके क्लीन शेव या फिर? डाइट करता है। और आपको एक और बात बताऊं कि जितना गर्म पानी ये पीता है ना, इसके बस इसके मुंह में टी बैग डाल दो आप, तो ये आपको चाय देगा नीचे से। उमर दिन में 8-10 गिलास नहीं मग्गा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी पीते हैं। क्या वजुहत है इसकी? यार मुझे जो है किसी ने बताया था कि गर्म पानी पीने से कौन, जो कौन है, था किसी ने बताया ये था, हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर है जुनैद खान साहब। ओके वो पीते हैं गर्म पानी, और उन्होंने फिर मुझे भी मतलब उनको देख के ही मैंने सीखा कि गर्म पानी, वो खाते सब कुछ है, मैंने मतलब उनको नहीं देखा कि वो ये करे, मीठा दबा खाते हैं, सालन वालन खाते हैं, रोटी नहीं खाते, लेकिन बाकी चीज़ सब खाते हैं और उसके बाद गर्म पानी पीते हैं, बस कहते हैं मैं ये गर्म पानी पीता हूँ और यही जो है मुझे जो है वो। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इसको भी मैंने बहुत पानी पिलाया, मुझे भी पिलाया, इसको मैंने गर्म पानी पिलाया, सब गर्म गर्म आ रहा था, उसके बाद इतना गर्म पानी मैंने पिया। आपको पता है रऊफ लाला को हमने गर्म पानी पिलाया, उनकी टांगे गल गए नीचे से, बर्दाश्त नहीं कर पाए। यार बुरी बात है, मेरे सामने नहीं करना, खबरदार मैं उधर देख रहा हूं, आप कर लो। अच्छा ये बताएं कि स्पोर्ट्स बाइक या फिर स्पोर्ट्स कार? स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक।
क्लीन शेव या फिर दाढ़ी? दाढ़ी। ठीक है जी, इमरान अशरफ या फिर बिलाल अब्बास? इमरान अशरफ। क्यों इमरान अशरफ क्यों, बिलाल अब्बास क्यों नहीं? बिलाल अब्बास से मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं है इस तरह से, मुलाकात का तो मैंने पूछा भी नहीं। इमरान अशरफ से जो है मेरी मुलाकातें हुई हैं, बड़े अच्छे, बड़ा नाइस, उनके साथ काम भी किया मैंने। अच्छा, तो वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बड़ा मोटिवेट भी करते हैं, बड़ा समझाते भी। ये बताइए कि मीरा या मथीरा? मीरा जी। यार मथीरा कर लेते आप, कर लो। क्यों मीरा जी क्यों और मथीरा जी क्यों नहीं? हाँ मीरा जी हमारी आइकन रह चुकी हैं माशाल्लाह से। रह चुकी क्या मतलब, मतलब अभी तक आइकन? हाँ हाँ। अब और मथीरा क्यों नहीं? मथीरा से मेरी कभी मुलाकात नहीं, मुझसे मुलाकात करें तो फिर उसके बाद शायद मैं मथीरा कह दूँ। ओके आजी भाई पूछे कुछ सवाल। भाई ये अजीब सी इसने बात की। अच्छा क्या, अगर मथीरा मुझसे मुलाकात नहीं कर रही है, अगर मुझसे मुलाकात कर ले तब मैं मथीरा कह दूँ? हाँ तो मतलब मैं उनको जानू, मैं उनको पता चले, मुझे पता चले वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं। जान लूं, जान लूं, जान लूं। अच्छा मुझे ये बताएं के शादी जो है इंडस्ट्री में करना पसंद करेंगे, इंडस्ट्री के बाहर? इंडस्ट्री के बाहर आदि। अच्छा अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? अब तो लव मैरिज करेंगे आदि। लव एक ही बार होता है या लव एक बार में दो बार भी हो जाता है कभी? एक बारी में एक दफा ही होता है। एक बारी में एक दफा होता है, एक दफा ही होता है। तो अगर कभी अगर दो बारियां साथ आ जाएं तो? दो बारी दो छह एक साथ आ गए तो तीसरा चला के चला देंगे। अच्छा ये बताएं कि काम का इंतजार करना या काम मांग लेना? काम मांग लेना, काम मांग लेना, मेरे काम मांग। ठीक है, ठीक है। स्ट्रगलिंग पीरियड या फिर सक्सेस पीरियड? यदि स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत सारा है, सक्सेस पीरियड अभी थोड़ा छोटा है इस मुकाबले में। स्ट्रगलिंग पीरियड, ठीक है, बहुत मजा का होता है। अच्छा आपको मैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की है, मैंने उम्र में हम 24 घंटे साथ थे, मैं उम्र को कहता था कि यार उम्र तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है, और ये वो वाली बातें हैं जो हम वॉशरूम में करते थे या जब हम ऑफ द कैमरा नमाज पढ़ने जाते थे। तो मैं इसको कहता था तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है क्या, क्या सीन है ना? तो इसने कहा एक दिन मुझे हाँ मजा आ रहा है। तो मैंने इसको कहा क्यों, तुम्हें क्यों मजा आ रहा है? इसने कहा यार यहाँ देखो खाने को भी मिल रहा है, हम सो भी रहे हैं, एसी भी चल रहा है, बेड भी है, लोग भी हैं, बातें भी हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। घर जाऊंगा तो उमर जो है वो एक अपने रूममेट के साथ रहता है, तो उमर ने कहा घर जाऊंगा तो फिर नीचे पानी भी लाना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा। हाँ। तो इसने जब वो मुझे बात बताई तो आई कुड फील इट कि वो जो स्ट्रगल है वो इसके अंदर इस वक्त यूं उसने पकड़ा हुआ है इसको। तो जब ये उससे बाहर निकला है तो दैट वाज मोर लाइक अ फैंटेसी, बिल्कुल ऐसे कि सब कुछ इजी हो गया थोड़ी देर के लिए। तो आई रियली लव्ड कि तुमने अभी फिर कहा कि स्ट्रगलिंग पीरियड इज स्ट्रगलिंग पीरियड एट, और इसको कभी नहीं बोलना है हम पता क्या है, हम हालांकि आपको होस्टिंग करते हैं बहुत सारी, हम हर जगह उसकी बात करते हैं जब हम ये काम करते हैं, क्योंकि उससे जुड़े रहते हैं तो जिंदा और असली इंसान रहते हैं और जमीन पर। हाँ जब आप भूल जाते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं था तो फिर आप अजीब से बन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इनसे सवाल करो तो वो कहते हैं बस अभी हमने यहीं से शुरू किया जो पहला ड्रामा में लीड पे, तब से वो अपना स्ट्रगलिंग बताते ही नहीं है। नहीं नहीं मेरे ख्याल से नहीं करते, आप जब तक स्ट्रगल को ऑन नहीं करेंगे आप सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते, आपको मजा नहीं, आपको मतलब डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ अच्छे हो गए और कहाँ आपके लैग कर रहे हो चीजें, क्या आपकी चीजें बेहतर हो गई या क्या आप ओवर कर रहे हो, कहाँ आप जो है अब मतलब आपके सर पर चल रही है सक्सेस और कहाँ आप शुरू में होते। वो नहीं कहते अपनी औकात में रहो, अपनी चीज अपनी अपने ग्राउंड रियलिटी को नहीं भूलो, तो वो चीज याद रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी औकात में रहो और अक्सर लोग कहते हैं मैंने सुना है कि अपनी फिजा में रहो, ये कहते हैं अक्सर लोग, मैंने सुना है। यार आपसे लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अच्छा जी ये बताएं कि सुपरमैन या बैटमैन? सुपरमैन। सुपरमैन। हिबा बुखारी या फिर हानिया आमिर? हिबा बुखारी। अच्छा जी ये बताएं मॉडलिंग या फिर एक्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। लीड रोल विद सबा कमर या फिर लीड रोल विद महविश हयात? सबा कमर। सबा कमर। सबा क्यों? सबा कमर क्यों, महविश हयात क्यों नहीं? ये मैं जवाब देने नहीं चाहूंगा। क्यों? क्यों नहीं देना चाहूंगा? यार आप मुझे बाहर निकल के मारोगे तो नहीं, हम आपको यही मारेंगे अगर जवाब नहीं दिया। क्या मतलब यार सभा कमर मुझे ज्यादा अच्छी लगती है ना, इतनी सी बात हो मतलब, सॉरी बड़ी हमने कोशिश की बट सभा कमर ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा पसंद है सभा जी। अच्छा जी आखिरी सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद आदि भाई पूछे तो पूछे, मुश्किल है आदि, लेकिन चल मैं पूछ लेता हूँ, तूने मना भी किया था, चल ठीक है। आदि आदि लंजत या फिर मरीहा? आदि आदि लंजत ऑल द टाइम, आदि आदि लंजत भाई, इसमें कोई शक नहीं हो रहा है, किसी को हजम ही नहीं हुआ, किसी ने ना कोई जवाब ताली बजाई, अच्छा ना किसी ने कुछ कहा। उमर एक बार फिर से ये सवाल करो और आप दूसरे जवाब दो, फिर देखते क्या लगता है। चलो हाँ आपसे आखिरी सवाल करेंगे, आदि आदि लमजद या फिर मरीहा? मरीहा।
ये जबरदस्ती वाला था, ये जबरदस्ती ताली बज गई। अच्छा चलो बेसाख्ता ताली बजाती है, यूं भी कर लिया ताली बज गई। अच्छा चलो एक काम कर, हमारे पास माइक है, माइक है ऑडियंस में, माइक है ना हमारे पास। अब आप मैं आप 8 लोगों से सवाल करूंगा रैंडम, ठीक है, ताकि इसको ये ना लगे कि खुदा ना खास्ता हमने प्लांट किया हुआ लोग। तो आपने जवाब देना जो आपका दिल कहता है। आप ये बताएंगे उमर आलम जो है आदि को ज्यादा पसंद करते हैं या मरिया को? अब सबसे पहले आप बता दें आपके हाथ में माइक है। मरिया को एक हो गया, मरिया एक हो गया। आगे माइक दें, आप बताएं कि उमर जो है, उमर जो है वो आदि को ज्यादा पसंद करते हैं या मरिया को? मरिया, मरिया को। दो हो गए, दो हो गए। आगे नीचे जो ब्लू में बैठी हुई है, नीचे 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 इनको दें, ऐसे चलाते हैं ना zigzag। ये आपके दूसरे, इधर से जी, इधर से कैसी हम, ठीक है। ये बताए कि उमर जो है वो ज्यादा पसंद किसको करता है, आदि को या मरिया को? आपको। ये हाँ जी, 3-1 हो गया। आप बताएं, ग्लासेस वाली आप बता दें। अब आप बताएं उमर जो है ज्यादा किसको पसंद करता है, आदि को या मरिया को? मरिया को, मरिया को। 3-1 आगे चलना या मान लिया तुमने? मान रहे हो आगे? नहीं नहीं चलो आगे चलो। हाँ जी हाँ, ये बताइए कि उमर ज्यादा किसको पसंद करता है, आदि को या मरिया को? मरिया, मरिया को। अरे आप लोग 4-1 ऊपर ये इनसे पूछे। आप पे है जो भी हो आज की रात, आप फाइनल कर रही हैं और आपने बताना है कि प्रेशर में नहीं डालूं। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से उमर जो है वो ज्यादा पसंद किसको करते हैं, आदि को या मरिया? मरिया, मरिया। एक मिनट, ये बात मैं अभी नहीं खत्म करूंगा मैं। मेरे दिल पे खंजर लगे हैं। बैंड को माइक दिया जाए, बैंड को और माइक। वाह 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 वाह, अब पूरा बैंड मुझे एक साथ जवाब देगा। हाँ जी, ठीक है जी। ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि उमर ज्यादा पसंद किसको करता है, आदि को या मरिया को? तीसरे सीजन में पहली दफा हुआ है कि किसी ने आदि पे हाथ उठाया है। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए, आप देख रहे थे मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद है उमर और मरिया, मेरा मतलब है उमर आलम। सॉरी यार, आप होता यही ना फ्लो में कपल का नाम, मेरा मतलब है और लोगों का नाम साथ निकल जाता है। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, स्लिप ऑफ टफ हो गया, वेरी वेरी मच, वेरी मच हो रहा है, स्लिप ऑफ टफ हो गया है। अच्छा जी, हम आपके साथ खेलेंगे यस नो और आई डोंट नो। ओके, इसमें आपसे सवाल होगा, आप यस नो और आई डोंट नो नहीं बोल सकते। पहला सवाल, आपको घर बैठे काम मिलने लगा था, ऐसा किसने कह दिया आपको? वेरी गुड, ये अच्छा खेला आपने। तमाशा के बाद हर कोई आपको कॉल कर रहा है, कोशिश सब कर रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, वेरी गुड। आप मरिया के फेवरेट दुश्मन हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, देखा या कम ऑन दिस वन फीलिंग लव इट इट ये साइड कम ऑन फेमस एक जगह दैट यू एंड हर एवरीबॉडी। मैं मेक श्योर करूंगा कि ये शो ना देखा जाए उनके तरफ से। अच्छा जी, आपके लिए निकलने वाले आदि के आंसू झूठे थे। क्या कि लिखा किसने, उसको बुलाओ तो रहे आदि भाई। हाँ जी, आपके लिए निकाले जाने वाले आंसू आदि के झूठे थे। भाई निकाल दो, जिस बंदे ने ये लिखा ना उसको निकाल दो। मैंने देखा था, रोया था ये मेरे लिए, स्क्रीन ऑन स्क्रीन रोया था ये, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं ये 100% एग्री कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इस आदमी को जानता हूँ और ये जिन लोगों को प्यार करता है उनके लिए वाकई ये रो सकता है। सो बहुत ही फजूल सवाल। अच्छा जी, आप फेमस होकर मगरूर हो गए हैं, ये गलत कह रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है, नहीं कैसे बोल, ये देखो हमारी चीती ऑडियंस बैठी करी, नहीं नहीं बोल सकते। आपको गलत लग रहा है मिस्टर फिजान, गुड। ये बताएं कि मुझे, मतलब उमर, मुझे अम्मी के हाथ का पुलाव पसंद है। बिल्कुल
वन वर्ड आंसर देना ही नहीं, बिल्कुल पसंद है ठीक है, वेरी गुड ठीक है। आप खुद को बहुत कमाल का एक्टर समझते हैं? कभी कभी, कभी कभी। हमारे सारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं? सारे तो हो ही भी नहीं, क्या सकता क्या सारे कैसे हो सकता है? आप शो में आदि के कपड़े पहनते थे? आदि देता था, मैं पहनता था आदि देता तो नहीं था मैं बस नहीं भी बोल सकते आप, आप भी नहीं, मैं पहनता था, मैं पहनता था, मैं पहनता, मुझे मिल जाते थे मैं पहन लेता था ठीक है। शो जीतने से पहले आप हर किसी से उधार मांग लेते थे? हर किसी से तो हर किसी से तो नहीं, हाँ नहीं नहीं बोल सकते, कुछ कुछ लोगों से मेरी इस बारे में बात हो जाया करती थी वेरी गुड। मैं सुबह मतलब उमर, मैं सुबह उठ के डबल रोटी का पहाड़ खाता हूँ। मैं अकेला थोड़ी खाता हूँ ठीक है। ये क्या ये सच है कि आप कभी भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते? होती ही नहीं, नहीं नहीं बोल सकते। फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? सवाल पे सवाल थोड़ी करना है भाई, आप मुझे बता नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, जवाब दें। एक्सक्यूज मी, अच्छा दूसरा सवाल। ओके, मैं फ्यूचर प्लानिंग पे भरोसा नहीं रखता दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा वेरी गुड, बस देख लें भाभी, अगर आप फ्यूचर का आपने सोचा हुआ है लो तो वो तो उसको तो भरोसा ही नहीं है फ्यूचर पे ना। अच्छा जी, 10 साल बाद आप कैटरीना कैफ के साथ फिल्म कर रहे होंगे? अलग रह जाओ, हो जाए आप बेकारी हो गए अंदर से कुछ और ही निकल आया। इतना मजबूर भी हूँ मैं, मजबूर भी हूँ थोड़ा सा। जब मैं पहली बार कराची आया था तो समंदर देखे भिन हो गया था भिन हो गया था पागल हो गया भिन हो गया पागल हो गया बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं बोल सकते यार, क्या हो गया तुम्हें? चार दफा बोल दिया तुमने, दिमाग कहाँ लगा हुआ आपका यार? आप सवाल जो कर रहे हो ना, आ जाएगा तुम्हारा भाई। जब मैं पहली बार कराची आया था तो समंदर को देख के पागल सा हो गया था कि ओ वाओ व्हाट अ वे, समंदर इतना दिलकश लग रहा था कि मैं देख के काबू में नहीं रहे। नहीं नहीं बोल सकते, समंदर इतना दिलकश लग रहा था कि मैं अपने जज्बात पर काबू पा लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ था, आप मेरे साथ थे। अच्छा ठीक है, अच्छा जी आपने मुनासिब जवाब दिया, मुझे लग रहा था आप ज्यादा अच्छा खेलेंगे। ऑडियंस बैठी हुई है, कुछ अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो उमर आलम इज राइट है, वो उनके पास सवाल, वो तैयार घर से माइक लेकर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इनशिरा। इनशिरा क्या मतलब होता है इसका? इन लड़कों ने डिलाइट, इनशिरा इनशिरा डिलाइट डिलाइट, ओह माय गॉड, इंग्लिश में केक भी मिलते होंगे। खैर क्या सवाल है आपका? मुझे उमर से एज अ न्यूबी, अगर किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस क्या देंगे? मैं उन्हें कहूँगा कि आप काम शुरू कर दें, लोगों से मिलना शुरू कर दें, जहाँ आपको जैसे काम मिल रहा है आप करें, जितना काम कर सकते हैं आप करें। अगर आपको नंबर चाहिए तो फैजान भाई नंबर दे देंगे उमर का। अगला सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? खदीजा। आप भी जीती है क्या तमाशा? आप भी उतनी खदीजा नाम है भाई। अच्छा खदीजा, माशाल्लाह। ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ आपने सोचा था कि आप सियालकोट आने से पहले आपने सोचा था कि आप करेंगे उनके साथ एक्टिंग करेंगे, एक बार उनके साथ ट्राई करेंगे, और आपका ड्रीम है उनके साथ हमेशा से एक कोई एक्ट्रेस हो बताएं। फिर अगले पेज पे कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसका कराची आने से पहले जिसके बारे में आपने सोचा हो कि यार मैंने इनके साथ काम करना है? सभा कमर। सभा कमर, मुझे हमेशा अभी भी महवेश आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? जवाब देती तो हा लिखती है, महा लिखती है, ये कहती है महाना भी। जी जी, आपका और मलिहा का जो बॉन्ड है वो सब पहला सवाल प्लीज जी पूछिए। आपका और मलिहा का जो बॉन्ड है वो सबको पसंद है?
मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपका और इनका जो बॉन्ड है वो सबको बहुत पसंद आया है, तो ऑफ स्क्रीन क्यों पूछ रही है? आराम से पूछ। नहीं नहीं, जल्दी हो रही है, हम नहीं कर रहे, आराम से। अच्छा, तो ऑफ स्क्रीन और शो के अलावा भी आपका उनसे बॉन्ड वैसा ही है और फ्यूचर में भी वैसा रहेगा? जी ना, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा शायद अब, क्योंकि अगर हो गया एक दफ़ा तो फिर वो चीज़ें ख़त्म, अनटिल अनलेस के हमारा फड्डा हो जाए कोई, वो कोई लड़ाई कर ले हमारे साथ या कोई बीमारी हो जाए हमारी, तो फिर एक मसला हो जाएगा, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा होता हुआ। वेरी गुड, मतलब वो कह रहे हैं कि वो आपको जैसा उनका और मरिया का बॉन्ड लग रहा था हमेशा वैसे ही रहेगा और इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना भाभी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लाइबा। यार जी, आप लोग के नाम बड़े खूबसूरत है यार। तो आप लाइब्रेरी जाती है? किसी का नाम भी आधी नहीं है, देखो यार। तो सुनो, देख रहा हूँ, लाइब्रेरी जाती है, लाइब्रेरी लाइबा, इसका मतलब क्या होता है? लाइबा जन्नत की हूर। क्या आपने बड़ा तुक्का मारा, मुझे लग रहा है अपने नाम का। नहीं नहीं, मुझे पता है, पक्का पता। जन्नत कौन सी जबान से है ये वर्ड? अरबी। अरबी नहीं, आती आपको? जी जी आती है, बोला उन्होंने अभी। नहीं, मुझे अरबी आती है, मैं उसका गोश्त पकाता हूँ। खैर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, जैसे यंग टैलेंट्स बहुत जज्बाती होते हैं, तो कभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो और इस पर लड़ाई हो गई है? ओ, कभी लड़ाई हुई आपकी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ता, मैं इस मामले में मैं नहीं उतने फटेबाज नहीं हूँ। नहीं जी, वेरी गुड, अच्छे सवाल आते हैं आप लोगों के, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, ऑडियंस से मेरा एक सवाल कर दे आप, ऑडियंस को आप ये बताइए, ऑडियंस से बात करनी है, बताइए कि उमर ने रोमांस ज्यादा किसके साथ किया है, आदि के साथ या मरिया के? मरिया। मरिया के साथ। कहा देगा ये हमारी ऑडियंस है, हम सब एक फैमिली है। देख रहा हूं मैं, यहां से पता चलता है आपको ऑडियंस। लेकिन उमर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा टाइम निकाल कर आप आए, बहुत मजा आया, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। उम्मीद करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मेरा यही मैसेज है कि ये जितनी बातें आदि ने की हैं उनको सीरियसली मत लीजिएगा। ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ये मुझे छेड़ रहा है, ऐसा कोई मजाक नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए और खाना मत जाया करें। मेरा बस यही एक सबको मैसेज होता है कि खाना मत जाया करें, खाना मत जाया करें, मत जाया करें। पहले मुझे लगा कह रहा खाना मत खाया करें, मुझे लगा खाना क्यों खाने से मना कर रहा है भाई, खाना मत जाया करें। ठीक है उमर, विशिंग यू ऑल द लक, उम्मीद करते हैं आप इसी तरह इंशाल्लाह ताला अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स जबरदस्त काम करते रहेंगे और हम आपको इसी तरह देखते रहेंगे। आदि भाई, अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मेरा कोई ऐसा मैसेज नहीं है, बस यही है कि अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है, अपने आस पास वालों पे भरोसा रखें, ठीक है, अपनी माँ बाप की दुआओं पे भरोसा रखें, ठीक है, और वो जो ऊपर है जिसने आपको भेजा है उस पे सबसे ज्यादा भरोसा रखें, वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपको भेजा है, और अगर आप उस पर यकीन ले आएंगे तो जिंदगी आपकी दिन ब दिन बेहतर होती है इंशाल्लाह। वेरी गुड आदि, उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा शो इसी तरह देखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। मजेदार शो।